हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड का यहाँ पे 26 सितंबर के यहाँ पे थर्ड शिफ्ट समाप्त हो गई है और यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन लगभग मिल गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो आपकी गंगा नदी है। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया था स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, मतलब 19 से लेके 22 तक के है, ठीक है। स्वतंत्रता जो अधिकार है वो 19 अनुच्छेद से लेके अनुच्छेद 22 तक है। किस देश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा लगती है भारत के साथ, तो वो बांग्लादेश की है, ठीक है, इसको याद कर लेना। और अगला प्रश्न दिया गया था एल्यूमिनियम किसका एक्स है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो एल्यूमिनियम आपका बॉक्साइट का एक्स होता है। हिमालय श्रेणी किस राज्य में नहीं है, मतलब पूछा गया था। तो ये चार, मतलब ये तीन ऑप्शन मैंने दे दिए, अगर ये हैं तो आपका सही है, देखो ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से फिर राइट होगा असम, केरल और मध्य प्रदेश। फिर ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा क्या राइट आपने लगाया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल है आपका कमल है। अगला प्रश्न है हिमालय श्रेणी, ये तो आपका हो गया। डीप का पूछा गया था, डीप, ठीक है। डीप माने होता है गहरा, ये आपको मैंने इंग्लिश पढ़ाई भी थी तो मैंने आपको बताया था। सारे क्वेश्चन मैं देखो करा चुका हूँ, ठीक है। चलो, डीप का आपका गहरा होता है, सालों माने होता है आपको ऊपरी पर या छिछला टाइप का, मैंने आपको बताया भी था। असेंबल माने होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना, ये आपके सैनोनियम है, ठीक है, ये आपका एंटोनियम था केवल। चलो अगला देखते हैं, असेंबल का क्या होगा, सैनोनियम एग्रीएबल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कैपिटल जी का मान पूछा गया था, तो 6.67 इंटू 10^-11 होता है। अगला देखते हैं अब, एक मिनट रुकना। चलो ये दिया गया था, एक मिनट रुकना जरा, क्या लिखा देखो जरा। ब्लैक होल की खोज किसने की थी, तो 1967 ईस्वी में जॉन व्हीलर ने की थी, ठीक है। ब्लैक होल से एक क्वेश्चन आया था ऐसा। गति ऊर्जा से एक प्रश्न पूछा गया, तो गति ऊर्जा का सूत्र याद कर लो काइनेटिक एनर्जी का, के बराबर 1/2 mv² होता है। उसमें दिया गया होगा जहाँ तक कि m दोगुना करने पर, v आपका 4 गुना करने पर, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ, तो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। दो बार राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं आपका, ये क्वेश्चन आया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके दो बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पायरोमीटर क्या करता है, उच्चतम ताप मापता है, उच्च ताप मापता है पायरोमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक आया था, मान लो सीनियर के बाद में ऑफ लगाओ या ऑन लगाओ, तो ये चीज़ रहने दो, गलत है। तो सीनियर के बाद में 2 लगता है, मैंने पहले ही बताया था सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, इनके बाद में आपका 2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, देखो आज आपकी 26 तारीख मैंने थर्ड शिफ्ट करा दी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको करा दी वो ठीक है, और भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताओ क्वेश्चन। आप लोग पेपर दे के आओ तो बताओ क्वेश्चन, ठीक, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताओ। आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताते तो फिर हम आप लोगों को खुद नहीं क्वेश्चन बताते हो, गलत काम आप लोग खुद करते हो, ठीक। क्वेश्चन बताना, ठीक, जो जो पेपर दे के आए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा अच्छा लग गया तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। और ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों को मैथ अपने आप से कायदे से पढ़ के जाना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। साइंस और जीके इंग्लिश में मेरे चैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जो जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, लेकिन मैथ अपने मन से आप कवर कर लीजिएगा बस, ठीक है।